नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि कौशिक। तो जी, आज मैं यूज़ करूँगी वाओ स्किन साइंस की तरफ से वाओ के प्रोडक्ट्स, जिसमें है एक फेस वॉश, एक सनस्क्रीन विद SPF 35 एंड एक और सनस्क्रीन विद SPF 55। वाओ के प्रोडक्ट्स हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाएंगे, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। इट कंटेन्स नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन्स, नो ऑक्साइड कलर, नो मिनरल ऑयल्स। सो अगर आप एक अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं या सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो जरूर ट्राई करो वाओ को। विटामिन सी दाग धब्बे हटाने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है, डार्क स्पॉट्स जो पिंपल्स होने के बाद रह जाते हैं ना, उसको रिमूव करता है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगी वाओ स्किन साइंस की तरफ से ब्राइटनिंग वाइटनिंग फोमिंग फेस वॉश, और इसके साथ इन बिल्ट ब्रश लगा हुआ है डीप क्लिंजिंग के लिए। और ये जो फेस वॉश है ये आपके लाइटन अप करेगा और ब्राइटन अप करेगा स्किन को, फेड करेगा एज स्पॉट्स को, रिड्यूस करेगा फाइन लाइंस को, स्मूथन अप करेगा आपके कॉम्प्लेक्शन को। 100 ml क्वांटिटी है, 2 years आपको शेल्फ लाइफ मिलेगी और 399 इसका प्राइस है। मुझे ये वाला जो ब्रश है ना फेस वॉश के साथ लगा होता है, जो मुझे बेहद पसंद है। गाइज, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो जाके जरूर ट्राई करो। एकदम सॉफ्ट वाला ब्रिसल्स वाला जो इनका ब्रश है ना, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता, बल्कि जितनी धूल मिट्टी गंदगी होती है, मेकअप का जो रेसिड्यू होता है ना, बड़े आराम से अच्छी तरह से निकालता है। मेरी स्किन एकदम क्लीन हो जाती है। हम रोज स्क्रब नहीं कर सकते, स्क्रबिंग वीक में 1 या 2 बार करना होता है, बाकी के दिनों में क्या। तो जी, बाकी के दिनों में आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से कैसे क्लीन करोगे, वो आप यूज़ करो वाओ का फेस वॉश जिसमें इनबिल्ट ब्रश है। सीरियसली, मतलब वाओ ने जो ये ब्रश वाली टेक्निक यूज़ की है ना, आई जस्ट लव द टेक्निक। तो आप इसको जरूर ट्राई करो, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं तो। और ऐसे ही अब हम समर्स की तरफ जा रहे हैं, अब हमें अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी, जैसे कि सनस्क्रीन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्किन केयर का। आपकी स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन जरूर होनी चाहिए, ये आपको यूवी डैमेज से बचाएगा। तो जी, ये है वाओ का सनस्क्रीन विद वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन मैट फिनिश के साथ, जो कि बहुत पसंद आया है मुझे। एंड द फिनिशिंग इज सो गुड। SPF 35 के साथ, SPF 55 के साथ आपको मिलेगा हाई कवरेज वाली। यदि आपकी डेली की एक्टिविटी इंडोर होती है और धूप में एक्सपोजर नहीं होता है तो आप SPF 35 के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको धूप में बाहर रहना पड़ता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये SPF 55 वाला सनस्क्रीन। दोनों ही सनस्क्रीन प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग में आती हैं, ये दोनों नोजल ओपनिंग के साथ आते हैं और इसके साथ लॉक भी मिल जाता है, जो कि इसको ट्रेवल फ्रेंडली बना देता है। टेक्सचर दोनों का ही थिक है बट स्किन में इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। वाओ की सनस्क्रीन सन डैमेज से तो बचाएगी ही आपको, साथ में स्किन पे जो रेडनेस है उसको भी ठीक करेगी, साइंस ऑफ एजिंग को न्यूट्रलाइज करेगी, डैमेज करेगी रिंकल्स को और ब्राउन स्पॉट्स को। इसके अंदर है रस्प बेरी एक्सट्रैक्ट जो रिच इन विटामिन सी होता है, जो नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करता है। कैरेट सीड्स एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ए एंड विटामिन ई है इसके अंदर, फोटो डैमेज से बचाता है। एवोकाडो ऑयल है जो स्किन को टैनिंग से बचाएगा। ओ गॉड, आई जस्ट लव द फॉर्मूला, सो मैटिफाइंग। मतलब ये नहीं कि ड्राई करेगा, हाइड्रेशन भी देता है, एकदम चिपचिप नहीं करता, लाइट वेट फॉर्मूला है। बेस्ट पार्ट इज वाइटिश नहीं लगेगा स्किन पर, लाइक चौक जैसी जो स्किन हो जाती है ना, नॉन स्टिकी नॉन चौकी है इसका टेक्सचर। इजीली स्प्रेड हो जाता है, पोर्स को क्लॉग्ड भी नहीं करता, जस्ट एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लग जाएगी आपकी स्किन पर जो धूप वगैरह से प्रोटेक्ट करेगी। धूप से स्किन ब्लैक हो जाती है, एलर्जी भी शुरू हो जाती है ना, उससे बचाएगी। घर से निकलने से जस्ट 15 से 20 मिनट पहले आपको अपनी बॉडी पे इसको अप्लाई करना है और हर 2 घंटे में आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्विमिंग करते हैं तो हर 40 मिनट्स बाद आपको अपने स्किन पर सनस्क्रीन लगाना है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ट्रस्ट इन वाओ, ट्रस्ट इन नेचर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, जय हिंद एंड वंदे मातरम।